पाकिस्तानी फौज और बलोच लड़ाकों के बीच जंग और भीषण होती चली जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बलोच महिलाओं का इस जंग में उतरना। दरअसल बड़ी संख्या में बलोच महिलाएं बलोच लिबरेशन आर्मी में शामिल हो रही हैं। ये महिलाएं फिदायिनी के रूप में पाक फौज पर हमला कर रही हैं। दरअसल बलोचिस्तान के तुर्बत एयरपोर्ट से ISI के हेडक्वार्टर के लिए पाकिस्तानी फौज का एक काफिला जा रहा था और इस दौरान सुमैया बलोच नाम की एक महिला ने फिदायिन बनकर पाक फौज के काफिले पर हमला करते हुए खुद को उड़ा लिया। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ जिसमें पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी एजेंसियों का कहना है कि इस हमले में एक पुलिसकर्मी, एक महिला कांस्टेबल समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के प्रवक्ता GN बलोच का कहना है कि पाक फौज को इस हमले में भारी नुकसान हुआ है। वो इस नुकसान को छुपाने के लिए उस पर पर्दा डाल रही है। इस नुकसान को छुपाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके को सील कर दिया था। वहीं जिस महिला ने फिदायिन बनकर पाक फौज पर हमला किया था उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसकी उम्र 25 साल थी। वो रेहान बलोच फिदायिनी की होने वाली पत्नी थी और उसके ससुर असलम बलोच बलोच लिबरेशन आर्मी के संस्थापकों में से एक थे। सुमैया के दादा, उसके चाचा और उसके चचेरे भाइयों को फरवरी 2011 में खुजदार से जबरन गायब कर दिया गया था। और बड़ी बात यह है कि सुमैया खुद एक पत्रकार थी और वो बलोच लिबरेशन आर्मी के मीडिया विंग के लिए लिखा करती थी। और सुमैया से पहले 27 अप्रैल 2022 को कराची यूनिवर्सिटी में शाहरी बलोच ने फिदायिन बनकर हमला किया था। इस हमले में यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर और 2 अन्य अध्यापकों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से 3 लोग चीन के नागरिक थे और वहीं सुमैया बलोच दूसरी फिदायिनी अटैकर बन गई हैं जिन्होंने पाक फौज पर हमला किया है। और सुमैया के इस हमले से एक बात तो साफ हो जाती है, वो ये है कि अब बलोच महिलाओं में फिदायिन हमलावर बनने का एक ट्रेंड शुरू हो चुका है। और इस बात की तस्दीक सोशल मीडिया पर तैर रही वो तमाम तस्वीरें और वीडियो करते हैं जिनमें बलोच लड़कियां और महिलाएं बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार और फौज का विरोध कर रही हैं। ये महिलाएं लगातार BLA में बतौर फिदायिन हमलावर के रूप में शामिल हो रही हैं। खुद BLA ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें 7 महिलाएं मास्क लगाए दिख रही हैं। ये फिदायिन महिलाएं भारी असलाह से लैस हैं और इसी विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और एजेंसियां लगातार बलोच महिलाओं और पुरुषों का अपहरण कर रही हैं। प्रांत में मीडिया को घुसने नहीं दिया जा रहा। बलोच लोगों का दावा है कि पाक की फौज उनके खिलाफ ड्रोन से लेकर जेट हेलीकॉप्टर तक का हमले में इस्तेमाल कर रही है। बलूचिस्तान में हर दिन किसी न किसी की डेड बॉडी लावारिस हालत में पाई जा रही है।